में हम आपको बताएंगे कि आप फेयर लाइट एप्लीकेशन गेम जो है ये अगर आपके मोबाइल में वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो आप इसे कैसे सही करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहें। तो आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है ध्यान से देखेंगे। आपको सेटिंग में चले जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है अपने मोबाइल के ऐप्स में, और ऐप्स में जब जाएंगे तो आपको जाना है मैनेज ऐप्स में, और मैनेज ऐप्स में जाने के बाद आपको क्या करना है ध्यान से देखेंगे। मैनेज ऐप्स में जाने के बाद सर्च बार में आपको सर्च करना है फेयर लाइट, तो इसको आप सर्च करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्टेड डाटा यूजर्स पे तीनों को एक बार क्लिक करके ओके कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि क्लियर डाटा पे जाके क्लियर कैश पे जाके क्लियर कैश कर देंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है ऐप परमिशन पे जाके सारे परमिशंस को यहाँ से अलाउ कर देंगे, और यहाँ से अलाउ करने के बाद माइक्रोफोन पे जाएंगे, माइक्रोफोन पे अलाउ कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है ध्यान से देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी सारी वर्ज़न वर्ज़न सब चीज़ दी हुई है, ये एक बार देख लेंगे कि इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद स्टोरेज पे जाएंगे, ये स्टोरेज, और स्टोरेज पे जाने के बाद टोटल 1.38 GB की स्टोरेज है, ऐप साइज़ ये है। अगर इसको भी क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर कैच कर देंगे एक बार, और क्लियर करने के बाद ये वर्क करने लगेगी और ये सही ढंग से आपके मोबाइल में चलने लगेगी। तो यही प्रोसेस है इसका सही से सॉल्व करने का। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।